सत्य नारायण व्रत की गाथा तुम्हें सुनाते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। सत्य नारायण व्रत की गाथा तुम्हें सुनाते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। एक दिवस सन का दिक ऋषिगण सूत जी सन्मुख आए, कलयुग में कल्याण हो कैसे प्रश्न पूछते जाए। एक दिवस सन का दिक ऋषिगण सूत जी सन्मुख आए, कलयुग में कल्याण हो कैसे प्रश्न पूछते जाए। कलयुग में कल्याण का फिर वो मार्ग बताते हैं। कलयुग में कल्याण का फिर वो मार्ग बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। सत्य नारायण व्रत की गाथा परम बड़ी हितकारी, श्री हरि की कृपा मिलती भक्तों को सुखकारी। सत्य नारायण व्रत की गाथा परम बड़ी हितकारी, श्री हरि की कृपा मिलती भक्तों को सुखकारी। सूत जी अपने भक्तों को ये कथा सुनाते हैं। सूत जी अपने भक्तों को ये कथा सुनाते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। किसी नगर में साधु नामक रहता था व्यापारी, धन धान की कमी नहीं थी जीवन था सुखकारी। किसी नगर में साधु नामक रहता था व्यापारी, धन धान की कमी नहीं थी जीवन था सुखकारी। पर संतान की खातिर साधु आंसू बहाते हैं। पर संतान की खातिर साधु आंसू बहाते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा
तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। एक दिवस एक नदी किनारे साधु भक्तों आते, राजा सत्य नारायण जी का व्रत थे करते पाते। एक दिवस एक नदी किनारे साधु भक्तों आते, राजा सत्य नारायण जी का पूजन वहां करवाते। व्रत का महात्म जान के साधु घर को आते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। संतान मिले तो मैं भी व्रत को फिर करूंगा, श्री हरि विष्णु के चरणों में अपना शीश धरूंगा। एक संतान मिले तो मैं भी व्रत को फिर करूंगा, श्री हरि विष्णु के चरणों में अपना शीश धरूंगा। एक वर्ष उपरांत वो कन्या रत्न को पाते हैं। एक वर्ष उपरांत वो कन्या रत्न को पाते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। पत्नी ने जब सत्य नारायण व्रत की याद दिलाई, पुत्री का जब ब्याह हो जाए दी पत्नी समझाए। पत्नी ने जब सत्य नारायण व्रत की याद दिलाई, पुत्री का जब ब्याह हो जाए दी पत्नी समझाए। ब्याह हुआ पुत्री का साधु भूल ही जाते हैं। ब्याह हुआ पुत्री का साधु भूल ही जाते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं।
जा माता संग फिर विदेश में करने व्यापार थे आए। कुपित हो गए सत्य नारायण उनको जेल भिजवाए। जा माता संग फिर विदेश में करने व्यापार वो आए। कुपित हो गए सत्य नारायण उनको जेल भिजवाए। पत्नी और पुत्री दोनों भारी दुख पाते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। पत्नी और पुत्री ने व्रत का फिर आह्वान कराया। श्री हरि ने कृपा करी थी जेल से था छुड़वाया। पत्नी और पुत्री ने व्रत का फिर आह्वान कराया। श्री हरि ने कृपा करी थी जेल से फिर छुड़वाया। ढेर सारा धन लेकर वो वापस आते हैं। ढेर सारा धन लेकर वो वापस आते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। सत्य नारायण भगवान भक्तों लेने परीक्षा आए। पूछा ससुर दामाद से नैया मैं क्या भर कर लाए। सत्य नारायण भगवान भक्तों लेने परीक्षा आए। पूछा ससुर दामाद से नैया मैं क्या भर कर लाए। घास फूस है नैया में दोनों ये बताते हैं। घास फूस है नैया में दोनों ये बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। भगवान शुद्ध हुए धन माल को सारा डुबाया। उधर पत्नी ने पूजा छोड़ी पति है वापस आया। दंडी भगवान शुद्ध हुए धन माल को सारा डुबाया। उधर पत्नी ने पूजा छोड़ी पति है वापस आया। पति और दामाद को अंतर ध्यान कराते हैं। पति और दामाद को अंतर ध्यान कराते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा
तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। पत्नी और पुत्री दोनों रो रो आंसू बहाए, पूजा पूरण की दोनों ने और प्रसाद भी पाए। पत्नी और पुत्री दोनों रो रो आंसू बहाए, पूजा पूरण की दोनों ने और प्रसाद भी पाए। पति और दामाद दोनों ही वापस आते हैं, पति और दामाद दोनों ही वापस आते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। इसी तरह जो सत्य नारायण व्रत का पालन करता, सुख संपत्ति और खुशियों से अपना दामन भरता। इसी तरह जो सत्य नारायण व्रत का पालन करता, सुख संपत्ति और खुशियों से अपना दामन भरता। आओ नारायण को चंदन का तिलक लगाते हैं, आओ नारायण को चंदन का तिलक लगाते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं।